बागेश्वर धाम सरकार की वाणी में हम जानेंगे कि कैसे घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता था, संत ने कृपा की तो खुद का मकान बनवा लिया। खुद का मकान बन गया तो संत ने पूछा, अब तो नहीं कुछ चाहिए? बोले, मकान तो बन गया, गर्मी आ गई, एसी लग जाए तो बड़ा मजा। संत ने कहा, जाओ आशीर्वाद, एसी और लगवा लो। एसी लग गई, अब तो बहुत आनंद में, 18 पे करे, 20 पे करे, 22 नंबर पे करे, दबा के सोए 18 नंबर पे सोए। दो चार दिन तो निकलो ही नहीं है बाहर। चार छह दिन बाद फिर पहुंच गए पार पर के, बोलो बोलो गुरुजी, मकान हो गए, एसी हो गई, आनंद हो गए। आ रहा क्या कहना गुरुजी, कभी छत पे लेटते, कभी एसी में, कभी किचन में ही सो जाता हूं। लेकिन अब एक दिक्कत है। बोले, क्या? बोले, सब लोग सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो अपनी बाइक लेकर जाते, हमें ऑटो पकड़नी पड़ती, मोटरसाइकिल हो जाए मजा आ जाए। संतन का जा आशीर्वाद, ले ले मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ले भी, अब तो बड़ो आनंद, स्प्लेंडर ले, पी पी बजा रहो दिन ना रात, नई नई आई सो पहुंच रहो, दो से तीन बार तो पहुंच, कौ छू ले, ए छूना ले, सीधा टूट जाए। 60,000 लगे, लुगाइया बैठा के ससुराल गो, ससुराल में साले सावन, अरे जीजाजू आ गए, जीजाजू, जीजाजू कहा ले आए, मोटरसाइकिल लगे 60,000 लगे, 20,000 की तो पहली किस्त लग गई। हाओ भाव पापड़ बेल बे परे, और हर महीना अबे चुकाने से भी अलग। 8-10 दिन तो बड़ा आनंद मोटरसाइकिल का। गुरुजी ने पूछा, क्यों अब तो आनंद है? अरे बोले, खा का आनंद, बरसात आ गई, भीन गई कार, चाने कार। मानवा बोले, तुम्हारी जय हो न कटा, ले कार ले ले, अब तो आनंद में है। अरे अब तो और आनंद, शीशा चढ़ाए उतारे, पहले दिन जो रात कार आई सो ही में बैठे बैठे चाय पी, वो तन्ने ही नहीं है। पड़ोसियां दिखा दिखा पहुंच है, तुरंत तो कबर नहीं मिलो, मार्केट ढूंढो रात भर, कबर तो रात ही के चाने अंधियाई से खराब हो जाए, दाग लग जाए, पेंट और छुट जाए। रात ही के कबर चढ़ गो अंधियाई से, उठी बचा बचा चलावे। अब चाबी जिसकी नई कार आती है वो बड़ो खतरनाक हो, चाबी उंगरिया में फंसाए रहा 10-15 दिन। तो एक बार चौबे जी ने सोने को दांत लगवाओ, सोने को दांत, अब दांत सोने को, अब दांत पंगत में बैठे, पंगत में बैठे तो खीर परस पे आओ, अब दांत दिखाने ताकि लोग समझे सोने को अलग हो। सो खीर को कह रहे ऐसे सकते कि खीर लाई है, बोले खीर धर थी, खीर थी ला थी। आदमी उनकी तरफ देखे, जब खीर कहा कहा, और जब देखे कही अरे जे तो सोनो दिखा रहे। महात्मा जी के पास कार लिप गई, कार लिप गई, अब तो सब आनंद है। अरे 10-15 दिन तो चाबी घुमा उतरा, अब तो बड़ो आनंद। महात्मा ने पूछा, अब तो नहीं कुछ चाहिए? अरे बोले, मकान हो गया, एसी हो गई, मोटरसाइकिल, कार हो गई, अब डीजल हो गया 100 बार, अब बिजनेस चाहिए, नहीं तो कैसे कार चले? डीजल है 100 पार चले, कैसे कार? अब चाहिए व्यापार। तो संत ने कृपा कर दी, चलो जाओ बिजनेस चले। ऐसे नहीं, पूरे भारत में बिजनेस चल गया है, भारत में बिजनेस चल गया। अब तो आनंद, अब और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं, बस कई बार सामान रखने की दिक्कत होती, 8-10 गोदाम और बन जाए। महात्मा बोले, तुम्हारी जय हो। महात्मा बोले, ले बनवा ले, भाड़ में जा, आशीर्वाद, गोदाम बन गए। अब और तो सब ठीक है, भारत में तो ये नाम हो ही गया, अगर तनक लंदन में भी, भी विदेश में भी थोड़ा व्यापार घूमना चाहिए। महात्मा बोले, आशीर्वाद। अब एक दिन मीटिंग में जा रहा हूं तो लाल बत्ती में फंस गया, जाम में फंस गया, मीटिंग कैंसिल हो गई, लाखों का नुकसान लग गया, नाराज आ। अरे बोले, सब देखा, इतनो कमाओ करो धरो, इतनो आशीर्वाद लाओ तुमाओ, आज सब फेल होगा। तो करें का, लाल बत्ती में जाम में फंस गए थे, अब तो हेलीकॉप्टर जाने, ऊपर ही को ऊपर चले, लाल बत्ती से कोई मतलब नहीं। ले भाई साहब किराए के मकान में रहते, हेलीकॉप्टर ले बेगाओ, ले भैया अब आनंद। अब अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक कमरा और लिप जाए। महात्मा बोले, मान लो व्हाइट हाउस में तुम्हारा कमरा भी लिप गया, फिर का चाहूं? बोले, फिर तो कछु नहीं, अगर भविष्य में कभी चांद पर प्लाटिंग हो तो 100 by 100। महात्मा बोले, मान लो प्लाट लिप गया, फिर? बोले, अगर कभी वहां लोग रहे तो 2 कमरे हमारे भी बनने चाहिए। ये है मानव की खोपड़ी। इसलिए साधु को और गृहस्थी दोनों आज की कथा ध्यान से सुन लें। साधुओं को 2 वस्तुएं लेकर चलनी चाहिए, साथरी कमंडल, मुख में राम और आराम। पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे, आज के जमाने में जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो उतने सिद्ध। हाँ बोलो सीताराम। और गृहस्थी भी,
पहले के जमाने में गृहस्थी संत घर पर आ जाते थे तो भगवान जैसे पूछते थे, आज के गृहस्थी नक्कटा आगी के लगे इतने, अगर महात्मान बाबा नाम बता भी दो तो बाबा अच्छा फलाने तो नहीं। साधु हमेशा पूज्य होता है, वो तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद ही देकर जाएगा। जो व्यक्ति साधु निंदा करता, संत निंदा करता, ब्राह्मण निंदा करता, गुरु की निंदा करता, वो प्रति निंदा के शब्द में जितने अक्षर बोलता उतनी गौ हत्या बराबर पाप भोगता है, इतना पाप लगता है। स्वप्न में भी साधु की निंदा मत करो, साधु मिल जाए तो दंडवत हो जाओ। अरे दंडवत नहीं हो सकते, दूर से प्रणाम कर लो मन ही मन। हम तो कहते तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में साधु आए, घर में साधु आए, तो जैसे रैदास जी दीपावली संत के आने पर मनाते थे, तुम अपने मन ही मन इतना उत्साह भर रहो। जिस घर में साधु की पूजा होती है, जिस घर के संत पूज्य होते हैं, उस घर से कभी भी लक्ष्मी भागती नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा।